ये हनुमान जी पैरों में पहने थे। हनुमान जी हमारे साथ हैं, शूज पहने हुए। बहुत अच्छा। मुझे निकल रही है। कोई नहीं, इसको अभी ठीक है भैया। एक बार मैं आपका धनुष आप मुझे दे सकते हैं? ओके, ऐसे ना? हाँ। ऐसे प्रत्यंचा ऐसे चढ़ेगी। हाँ। जो आप कहेंगे देवी। बहुत भारी है देवी। ना पकड़ू देवी? पहली बार मुझे किसी ने देवी बोला है। तो भैया ऐसा है कि ENT लाइव की सवारी इस वक्त आ चुकी है लाल किला पर। हम लाल किला देखने नहीं आए हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर करिए, हम आए हैं यहाँ 15 अगस्त पार्क में जो रामलीला हो रही है ना, लवकुश रामलीला, वहाँ के कैरेक्टर्स से मिलेंगे, रामलीला देखेंगे। मैंने कभी रामलीला नहीं देखी है, आप लोगों ने देखी है कि नहीं हमें कमेंट्स में बताइएगा। और जितने भी कैरेक्टर्स हमें मिलने वाले हैं कॉस्ट्यूम में, उनके साथ हम बहुत सारी फन चिट-चैट करने वाले हैं। अंदर आइए और लवकुश रामलीला में चलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। भाई दिल्ली में हम हैं, लाल किला का प्रांगण है, पीछे आपको दिख रहा है लव कुश रामलीला कमेटी है, यानी रामलीला के बारे में कुछ तो बात होने वाली है। और पीछे की जो थीम है वो है काशी विश्वनाथ की, तो बहुत कुछ मिला जुला सा एकदम संगम है। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन जी हैं जो कि लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और कितना कुछ अलग होने वाला है ये रामलीला में बाकी रामलीला से? हमारी रामलीला के अंदर लगभग 5 लाख इनविटेशन कार्ड छपते हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। 11 दिन रामलीला होती है। हमने हम हर इनविटेशन कार्ड के ऊपर QR कोड डाला है। 2 QR कोड है, एक QR कोड है जिसको जैसे भी आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही हर रोज़ की रामलीला प्रतिदिन की क्या है उसके अंदर प्रोग्राम आ जाएगा। और दूसरा QR कोड है जिसके अंदर आदमी को लोकेशन जो है वो नहीं पूछनी, जैसे उसको स्कैन करेगा गूगल के ज़रिए वो लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ साथ हमने तीसरी चीज़ और की है, इस बार जहाँ फिज़िकल इनविटेशन कार्ड है वहाँ डिजिटल कार्ड भी हमने शुरू किया है। और डिजिटल जो पासिस हैं, NCR के अंदर कोई भी व्यक्ति है या दिल्ली के अंदर है, चाहे वो गुड़गांव के अंदर बैठा है, चाहे वो फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, नोएडा के अंदर है, अगर कोई भी व्यक्ति हमें रिक्वेस्ट भेजता है, उस रिक्वेस्ट के ऊपर ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप के ऊपर उसको डिजिटल पास इशू कर देते हैं जिसके अंदर दोनों QR कोड भी मौजूद हैं। तो ये लोगों को फैसिलिटीज़ इसलिए है कि हर व्यक्ति के पास कोरियर के जरिए इनविटेशन कार्ड नहीं पहुंचाया जा सकता। देखिए मेरा मुकुट अभी हमने एक्चुअली क्या लंच ब्रेक हुआ था तो इसलिए वो रखा हुआ है। अच्छा। मेरा मुकुट और प्लस हेलमेट अभी आने वाला है, उसको मैं पहनने वाला आ गया, पहना दीजिए जी। भारी होता होगा ना? हाँ काफी। टच करके देख लूं? हाँ देख लीजिए प्लीज। और मैंने तो आपकी कॉस्ट्यूम भी देखी, टाइट है। हाँ ये काफी टाइट रहती है और एक काफी समय लगा है इसको बनाने में। अच्छा विभीषण जी बात बताइए, आप इसमें विभीषण का कैरेक्टर निभा रहे हैं और बहुत गलत तरीके से आजकल एक कहावत कही जाती है, घर का भीदी लंका ढाए, और वो विभीषण के ऊपर कही जाती है। इस कहावत से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, किसी ने रावण को क्यों नहीं बोला कि उसने ये सब चीजें गलत करी। भाई विभीषण जी का किरदार है क्या? बेसिकली विभीषण जो थे वो अपने भ्राता को उन्होंने एज ए भ्राता उन्होंने कई बार समझाया उनको कि आप सही रास्ते पे चलें, जो सही है वो सब चीजें करें, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा आपके भ्राता वैसे हैं कहाँ अभी फिलहाल? अभी मेरे भ्राता उधर तैयार हो रहे हैं। देखो भैया ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम ठीक रावण के बगल में बैठे हुए हैं। भाई रावण के बगल मजाक समझाए क्या? देखिए भाई रावण साहब, अब जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं जो आपने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, हम 2-4 लाइनें आपके सामने ऐसे पढ़ दें उसकी। पढ़ दीजिए। तो आप भी पढ़ेंगे साथ में? जो आप कहेंगे देवी। चलिए स्टार्ट करते हैं। करिए। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पापस्तले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां दमड्ड मड्ड 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 निरार वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। बहुत अच्छा। एक बार जरा हंस के दिखाइए ना। बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा ये बताइए आपका पुष्पक विमान कहाँ पे है अभी? यही पे है। कहाँ पार्क किया? यही थोड़ी जगह की तकलीफ थी लेकिन ठीक जगह पे पार्क है। ठीक जगह पे पार्क रखा हुआ है। मेरे को अपना ये पकड़ाओगे आप? बहुत भारी है देवी, ना पकड़ू देवी। पहली बार मुझे किसी ने देवी बोला है। अच्छा आप एक बात बताइए कि आप अभी से इतना तैयार हैं, मुकुट वुकुट पहन के जाके स्टेज पे आपको एकदम परफॉर्म करना होगा, तो रामलीला स्टेज पे परफॉर्म करना कितना अलग होता है और रावण के कैरेक्टर को प्ले करने में और क्या क्या चीजें होती हैं जो आप फील करते हैं? स्टेज का परफॉर्मेंस डिफरेंट रहता है क्योंकि सिनेमा में हमको कुछ फायदे रहते हैं, गलती हो जाए तो उसको सुधार सकते हैं, एक बार नहीं दो बार बोल के वापस हो सकता है। लेकिन स्टेज की परफॉर्मेंस के लिए हमको अलर्ट रहना पड़ता है, पहले से अपने सिस्टम में डाल देना पड़ता है क्योंकि मैं रेगुलर स्टेज नहीं करता हूं, सो मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो भी मुझे दिया गया है उसे याद रखना, वो मूवमेंट जो बताए गए डायरेक्टर ने उनको याद रखना और ठीक परफॉर्म करना, इसी में मेरा सारी जो रुझान होता है, मेरे जो दिमाग होता है इसी में चलता है। लेकिन फ़र्क तो है, सिनेमा का और स्टेज का बहुत फ़र्क है। कूल मिस्टर रावण, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आप बहुत ही कूल रावण हैं। थैंक यू देवी, खुश रहो। गगन मलिक हमारे साथ हैं, राम का कैरेक्टर वो प्ले करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और होइए वही जो राम रची राखा। ठीक है, तो आपने बहुत सारे रिलीजियस शोज किए हैं, माइथो किया है, राम के कैरेक्टर को आपने कई बार प्ले किया है। स्टेज पर रामलीला पे राम के कैरेक्टर को प्ले करना कितना कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, कितना मुश्किल होता है? एक मिनट आप पहले कर लें, ठीक है। सॉरी, हाँ तो आप पूछ रहे थे कि राम का किरदार करना कितना मुश्किल है। हाँ। देखिए कि जब आप राम का किरदार करते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो भार है वो केवल आप ही के कंधों पर है। अच्छा। ऐसा फीलिंग आता है शुरू में, क्योंकि आपको पूरे अच्छे तरीके से लोग देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि आपने रोल के साथ जस्टिस किया या नहीं किया। एक एक आपका कदम, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नापा तोला जाएगा। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसके साथ साथ आपको जो आपका मैसेज है धर्म के प्रति, जो आप सिखाना चाहते हैं लोगों को, वो भी सही ढंग से लोगों तक पहुंचे, उसकी भी तैयारी पूरी करनी पड़ती है ना। आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं, आप फिर गगन नहीं रहते, आप बाहर भी जाएंगे जगत में। सीरियल के बाद आप राम की नज़र, और राम जी आ गए, और राम, गगन नहीं बोला, राम जी आ गए। वो थॉट प्रोसेस वैसा है, तो अगर राम जी उनको वहाँ पर कोई दारू पीते हुए या सिगरेट पीते हुए या कोई गलत काम करते हुए दिखेंगे तो एक बड़ा ही ख़राब प्रभाव लोगों के मन में आएगा, आप अपनी इज्जत तुरंत खो देंगे। तो बात आपको सिखाने की, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं, एज गॉड। एक बार मैं आपका धनुष, आप मुझे दे सकते हैं? अच्छा, ओके, ऐसे ना? हाँ, ऐसे प्रत्यंचा ऐसे चढ़ेगी। हाँ। तो ये आप अभी से, जैसे आपने पूरा गेटअप ले रखा है, अपने सारे जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं ले रखे हैं, तो और रात में परफॉर्म करना है, इतना पहले से आप रेडी होके बैठे हो, थकान नहीं हो जाती है? नहीं नहीं, ये रेडी होके हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप लोग हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, बोलिए मत। अच्छा। नहीं तो हम अपने समय पर रेडी होते हैं। अच्छा। लेकिन थकान फिर भी रहती है क्योंकि 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रामलीला चलती है, और हम 5 बजे से तैयार होना शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक अपने हम इसी कॉस्ट्यूम में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ऐसा आप किरदार निभाते हैं तो मतलब उसमें आपकी थकान अपने आप ही मिट जाती है। तो अब हमारे साथ साक्षात माता सीता हैं, माता सीता का रोल निभा रही हैं कविता। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सीता जी के कैरेक्टर्स से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों को सीखनी चाहिए, जो लड़कियां सीखती हैं, सीख रही हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ये सीख दी जाती है कि तुम माता सीता बनो। अगर वो लड़की किसी भी समाज के किसी भी पैमाने पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो ये बोल देंगे कि एक तुम और एक माता सीता थी। तो इस तरीके से आज की लड़की का माता सीता के साथ कंपैरिजन करना कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, कंपैरिजन तो मेरे हिसाब से हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन लड़की कैसी है। मैं खुद भी एक लड़की हूँ और हम जितने लड़कियों से मिलते हैं सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। बस हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सीता माता थी हम उनकी तरह बन पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनसे सीख सकते हैं, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो जो थी, मतलब शायद आज की डेट में कोई लड़की ऐसी हो, बिल्कुल दूर दूर तक उनको टच करना। हाँ हाँ, तो लेकिन हम उनकी तरह बन सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं। अच्छा, जब कविता जोशी सीता माता का कैरेक्टर प्ले करती हैं तो उन्हें क्या फील होता है, कैसा फील होता है, घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, क्या इससे पहले कभी सीता प्ले किया है? हाँ, मैंने इससे पहले 2020 में अयोध्या की रामलीला में माता सीता जी का किरदार निभाया, तो जो फर्स्ट रामलीला थी कोरोना में, जी जी, जिसका डीडी में लाइव टेलीकास्ट था, वो मैंने किया था। और अभी मैं फर्स्ट टाइम लव कुश करने जा रही हूँ, तो फैमिली बहुत खुश है जब उन्हें पता चला कि मैं लव कुश में माता सीता जी का किरदार कर रही हूँ, बहुत खुश है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग हमेशा फिल्में करते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, लेकिन ये है हमारी रामायण, रामलीला, इसमें हम धर्म से जुड़ रहे हैं, अपने जरिए पब्लिक को या पूरे समाज को ये बता रहे हैं कि ये हमारा धर्म है, आप इससे कुछ सीखें। तो अगर हम अपने धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। दिशांक जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची है आपने? और लक्ष्मण रेखा मैंने वहाँ खींची है जहाँ सीता मैया है। सीता मैया है। अच्छा, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था, सुनने में ऐसा आया। आपको भी आता है इतना गुस्सा? हाँ, इंसान सबको आता है। आपको गुस्सा नहीं आता? आता है ना। लेकिन हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण का जब आप कैरेक्टर करते हैं तो क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एज अ पर्सन सीखने को मिलती हैं, जो दिशांक को सीखने को मिलती हैं? देखिए, इंसान गलती करता है, एक बार करता है, दो बार करता है, 10 बार करता है, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि आप गलती करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने बाद में सीखा कि मैं अपने बड़े भैया से, राम से, हमेशा पूछते थे, लेकिन फिर भी उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई। और इंसान रियल लाइफ में भी ऐसे ही सीखता है, गलती करता है, सीखता है, गलती करता है, सीखता है, और सलाह लेता है, एडवाइस लेता है अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, और आगे बढ़ता है। बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि ये किसके साथ में खड़ी हुई हूँ। हनुमान जी हमारे साथ हैं, शूज पहने हुए, और अभी आपने फोन लिया हुआ था। हनुमान जी, ये जो बॉडी आपने बनाई है जी, ये कितना जिम जाने का आपका परिणाम है? ये जब मेरे को संकट मोचन महाबली हनुमान एक शो आता था सोनी टीवी पे जी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, जब मेरे को उसका ऑफर मिला उसके बाद मैंने ये बॉडी बनाने शुरू करी। पहले मेरी थी फिट बॉडी थी, लेकिन इतनी ज्यादा बॉडी नहीं थी, स्पेशली लेग्स बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे नॉर्मल लड़कों के होते हैं वैसे थे। उसके बाद मेरे को जब हनुमान जी का रोल था तो बनानी जरूरी थी, और पता चला कि फर्स्ट टाइम लंगोट पहनना है। आपने इससे पहले जितने भी शो देखे होंगे उसमें कैपरी होती है, पाँव के नीचे तक का होता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर लंगोट था। अब लंगोट है तो फिर ऊपर से आप चौड़े हो गए, टांगे पतली रहेंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, और आपको पहाड़ भी उठानी है चीज़ें, तो ये सब कोशिश करी मैंने फिर बॉडी बनाने। सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक है, और वो स्टेज पे परफॉर्म करना होता है। कितना मुश्किल होता है ये? सबसे मुश्किल होता है हार्डनेस वर्क, जब उड़ने वाले सीन आते हैं मेरे। और आप तो इतने हैवी हो। तो वो लोग वो क्रेन से उड़ाते हैं, वो खुद लोग नहीं खींचते, क्रेन उड़ाते हैं, और वो हार्डनेस लगती है। और लेकिन बस दिक्कत ये आती है कि आपको बॉडी बैलेंसिंग अपनी ऐसे रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हार्डनेस होती है सीधी। तो मेरा 100 kg वेट है, तो मेरे को ऐसे मेंटेन करके ऐसे उड़ना और ये सब होता है। अच्छा निर्भय जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। नाम भी निर्भय है आपका, कभी आपको डर लगा है कभी किसी प्रकार का? और सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? सबसे ज्यादा डर तो मेरे को, आपको सही बताऊं तो, झूला होता है जो गोल गोल ऐसे चलता है, उससे डर लगता है। जब मैं इवन गोल गोल भी घूमूंगा तो मेरे को चक्कर से आ जाते हैं। इसके अलावा मेरे को डर तो लगता नहीं, ऊंचाई, आग से तो कभी चीज में लगा नहीं। मम्मी मैं ऐसे कुछ काम करता नहीं जो डांट वांट के पड़े, सुधर गया हूँ। पहले बचपन में खूब पिटा हूँ, लेकिन अब नहीं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, इट वाज अ फन कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम।